और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों टाटा मोटर्स कर्मी की विधवा को नौकरी दिलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कंपनी गेट को जाम कर दिया गया था, जिसमें प्रबंधन द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिछले दिनों टाटा मोटर्स कर्मी की मौत के बाद उसकी विधवा को स्थायी नौकरी दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा टाटा मोटर्स गेट को जाम कर दिया गया था। कंपनी प्रबंधन द्वारा नामजद प्राथमिकी के बाद पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की शिकायत लेकर कांग्रेस राज्यसभा सदस्य प्रदीप बालमुचू, झामुमो के महावीर मुर्मू, जेवीएम के बबुआ सिंह, आनंद बिहारी दुबे व अन्य एसएसपी के पास पहुंचे। काम तक पहुंचा है और उसमें सब लोगों का उसमें सहयोग रहा, मगर उसके बाद जो घटनाएं घटी, विशेषकर केस इधर से उधर हुआ और हम लोगों ने तो पहले हॉस्पिटल में ही उसके परिवार वालों ने केस किया था। आपको पता है उस समय हम लोगों ने कहा था कि भाई केस लिया नहीं जा रहा है और कागज इधर से उधर किया जा रहा है, ये सब बात उस समय हम लोगों ने किया था। इसके बाद फिर जो मेरी जानकारी भी उस समय प्रबंधन के द्वारा कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं नेता उन पर केस किया गया, फिर तीन दिन के बाद फिर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद फिर से सप्लीमेंट्री फिर से केस किया गया और उसके बाद जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है लगता है कहीं ना कहीं वो ये कहें कि सत्ता से प्रेरित होकर काम किया जा रहा है। कि पहली बात है कि उसमें से बहुत सारे जो और पॉलिटिकल लोग थे उनका कहीं नाम नहीं है और जिनका नाम है उन पर भी जो घटनाएं घटी नहीं, कोई इंजुरी नहीं हुआ और उसका इंजरी रिपोर्ट वो टेल्को से अपने खुद बनाता है और उसके बाद फिर केस करता है और नॉन वेलेबल जो धाराएं हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं पर लगाता है। दूसरी तरफ जो हम लोग केस करते हैं उस पर सबको वेलेबल कर देता है, जबकि महिला ने खुद अपने जबकि उसको तो पूजा सिंह उन्होंने अपने एफआईआर दर्ज कराया था, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को जेल भेजना चाहिए। टेल्को थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में कोताही और लापरवाही बरतने वाले टेल्को थाना प्रभारी जयंत तिर्की को एसएसपी ने लाइन क्लोज कर दिया, जबकि एसआई इंद्रदेव पासवान को निलंबित कर दिया गया है। वे शुक्रवार को न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। टेल्को थाना में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और उसमें जो है इनिशियली जो थाना पे जो है कंप्लेंट्स गए थे और हम लोग कंप्लेनेंट ने जो है हम लोगों के पास सीनियर ऑफिसर्स के पास ये शिकायत किया है कि थाना जो है शुरू में जो है एफआईआर करने में विलंब किया है। उस संबंध में हम लोग छानबीन किया है और डीएसपी सिटी ने उस संबंध में रिपोर्ट दिया है। उसमें एक चीज़ पाया है कि जो है थाना का सर से लापरवाही हुआ है, इनिशियली जो है केस रजिस्टर करने में विलंब हुआ है और उन लोग जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी एएसआई रहता था उन्हीं के पास गया था, ऑफिसर को हम लोग निलंबित किया है और थाना प्रभारी को भी जो है लापरवाही के आरोप में जो है थाना से हटा दिया गया है। जुगसलाई स्टेशन रोड और ट्रैफिक कॉलोनी से रेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में 200 से ज्यादा गरीबों के घर उजड़ गए हैं जो रोज कमाने खाने वालों की श्रेणी में आते हैं। रेल प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जुगसलाई, बागबेड़ा और टाटानगर स्टेशन मार्ग में रेलवे की भूमि पर बरसों से रह रहे गरीब तबके के लोग रातों रात बेघर हो गए। इनमें से अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी कर परिवार चलाने वाले हैं। बुलडोजर की मदद से इनके आशियाने को जमीन दोस्त कर दिया गया। अब इस भीषण गर्मी में परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे आ चुके गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े वायदे करने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक उस ओर रुख नहीं किया है। बहुत तकलीफ हो रहा जाए, इतना गर्मी पड़ रहा, धूप में हम लोगों सारा दिन बैठना हो रहा है, कैसा करेगा? वोट का टाइम में हम लोगों ने इसको वोट देना, उसको वोट देना, अभी वोट देने जाऊंगी अभी दौड़ के, हाँ टिप्पा देना पड़ता है। नहीं पा रही हूँ, मेरी स्कूल, मेरे घर टूटने के कारण मैं स्कूल जा नहीं पा रही हूँ। पापा मजदूरी के काम करते हैं इसलिए मैं स्कूल। कौन क्लास में पढ़ता है? मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ। और किया तो अच्छा किया, लेकिन बस्ती तोड़ के पार्क बनाया गया है तो बहुत गलत है, इससे गरीब को बहुत नुकसान है। इसमें अमीर लोग फायदा उठा रहा है, पैसा देके अपना घर बचा रहा है और गरीब का घर तोड़वा रहा है। भी पार्क बनाया हुआ तो लड़कीबाजी हो रहा है और यहाँ एक नया पार्क बना के इसको भी लड़कीबाजी का अड्डा बनाना चाहता है रेलवे। रेलवे अपना कानून को बहुत गलत तरह से यूज कर रहा है। मोदी सरकार भी भ्रष्ट है।
पैसा लेकर छोड़ दिया गया है उन लोग का। जिसका लाभ चाहिए हमारा पत्ता का टूटना चाहिए। तो आप लोग खाली करिएगा। नहीं करेंगे, हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन करना पड़ जाए करेंगे हम लोग। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने शहर के बिगड़ती विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम के शहर में ये हाल है तो राज्य में क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गरीबों को उजाड़े जाने का विरोध करते हुए प्रशासन की आलोचना की है। मुख्यमंत्री जी का शहर है और मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में कल की जो घटना है, पिछले 21 तारीख से एक बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, थाना में उसका FIR नहीं लिया गया, उसके बाद MGM हॉस्पिटल में उसकी देखरेख नहीं हुई। जब ये अखबार में आया और जिला कांग्रेस कमेटी ने इसका जोर शोर से विरोध किया और जाकर के MGM के अधीक्षक से मिला, CTSP साहब से मिला, तब कार्रवाई हुई। और कार्रवाई होने के बाद में आप देखे होंगे कि कार्रवाई होने के बाद में सारा सब कुछ सामने आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस शहर में मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा में और भाजपा के लोग एकदम चुपचाप हैं, कहीं भी कुछ नहीं है। आप देखिए शहर में अभी आपका स्टेशन में सारे लोग तोड़ फोड़ कर रहा है, रोड के नाम पर बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। कल हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता वहां जाकर विरोध किए हैं, जिसमें अजय मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, अमरजीत नाथ जी, हमारे अशोक यादव जी, अपर्णा गुहा जी, सारे नेताओं ने उससे जाकर विरोध किया। और उसके बाद विरोध के बावजूद भी हमारे नेताओं के ऊपर में वहां पर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया, हर तरह से आंदोलन हो रहा लेकिन पीछे नहीं हट रही है।